एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एम्स के कई क्राइटेरियाज के बारे में, लाइक आपके जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी एंड उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट डेट्स हैं वो अगर आपके सेंट्रल के नहीं हैं या फिर डेट के अंदर नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें तो अगर कट ऑफ आपकी 50% बोल रखा है इसका मतलब 100 में से अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा, ये UR और EWS के लिए। फिर 45% आपका OBC के लिए है, देन 40% SC ST के लिए, अगर SC ST के 40 के आसपास मार्क्स आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। 45% किसके लिए? OBC के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बता रखा है कि किस क्राइटेरिया के बेस में और किसे पहले रैंक दी जाएगी अगर दो बच्चों के जो आपके मार्क्स जो होते हैं वो सेम आते हैं। उसके बाद एक डाउट और था बच्चों का स्टाइपेंड का, तो स्टाइपेंड जो है वो आपका 4 साल के दौरान तो 500 ही रहेगी, बट उसके बाद जो आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें जो आपकी स्टाइपेंड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप यहाँ पे 13,000 लिखा हुआ है तो आप ये देख सकते हो, बट आई थिंक ये अब बढ़ चुकी है आपकी 13,000 से। बट जो बच्चे डाउट में पूछ रहे थे ना कि अभी 500 रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपका 500 पर मंथ रहेगी वो 4 ईयर्स के लिए, और जो मेन स्टाइपेंड है जो आपकी कुछ ज़्यादा है वो आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपको जब रिजल्ट आ जाता है तब आपको अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट है और इसका फॉर्मेट ऐसा दिखा रखा है कि आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। ये किसके लिए है? एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये OBC का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका किसका बता रखा है? EWS का, SC ST का। तो आपके पास जो ये फॉर्म, मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो ऐसे होने चाहिए, इस फॉर्मेट के होने चाहिए। अगर इस फॉर्मेट के नहीं भी हैं पर सेंट्रल के हैं तो वो चल सकते हैं आपके। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि बहुत से बच्चों का भी डाउट हो रहा है कि आपके जो डेट है इशू डेट वो कौन सी होनी चाहिए, तो एम्स ने पहले भी मेंशन कर रखा है कि आपकी जो इशू डेट होती है ना वो एग्ज़ाम डेट से पहले की होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट से पहले, लाइक आपका एग्ज़ाम 13 जून से था तो उससे पहले का होना चाहिए आपका। वैसे तो 2 जून का एग्ज़ाम था बट अभी वो चेंज हो गया, आपका कहाँ हो गया 13 जून को, तो आई थिंक 13 जून वाले से पहले को भी वो वैलिड मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे OBC NCL का इशू कब से होना चाहिए? 4 जून 2022 से लेकर 3 जून 2023 के बीच का आपका क्या होना चाहिए, वो इशू डेट होनी चाहिए उसकी। EWS का भी यहाँ पे गिवन है आपका कि 1/4/2023 से लेकर 3/6/2023 तक। अब ये आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है, ये बहुत से बच्चों को डाउट यही है कि ये इस एक ही साल के अंदर होगा, मतलब आपका अप्रैल महीने से लेके आपके जून महीने के बीच तक का होना चाहिए आपके पास। एंड जो बच्चे अभी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो आप कर लोगे बट उसके बाद क्या होगा, वो आपकी काउंसलिंग एज अ जनरल कराएंगे। आपकी जो, अगर आपने लेट फॉर्म वहाँ पर प्रोवाइड किया या फिर आपकी जो डेट है वो अलग है, तो वहाँ पर आपको जो काउंसलिंग होगी वो एज अ UR करानी होगी, UR इन द सेंस कि एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट करानी होगी, और उसी के बेस पर आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट में जो रैंक होगी उसी के बेस पे आपको कॉलेज मिलेगा। एंड जो बच्चे घबरा रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप बना लो सर्टिफिकेट, अगर लगाने से वहाँ पे मान जाते हैं तो हो जाएगा, वरना फिर आपका एज अ जनरली करेंगे,